हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का पाठ 11। जी हाँ, अध्याय 11 आज हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन। पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। प्यारे बच्चों, आज का ये पाठ हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले जो 10 पाठ हैं, 1 से लेकर के 10 पाठ, वो हम पढ़ चुके हैं और उनके वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप पहले उन 10 पाठों को भी अच्छे से देख लें, पढ़ लें, उसके बाद 11वां पाठ आप पढ़े। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं पाठ 11 बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार। चलिए सबसे पहले जो लेखक परिचय वो हम देखते हैं, क्योंकि आपके एक प्रश्न लेखक परिचय का भी आएगा। तो देखिए, जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो इनका जन्म हुआ सन 1905 ईस्वी, मृत्यु हुई सन 1988 ईस्वी। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को एक नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने में आत्मसात किया। देखिए, जैनेन्द्र कुमार जो हैं वो हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के जन्मदाता या प्रवर्तक कहलाते हैं। यानी कि हिंदी साहित्य में जो मनोवैज्ञानिक जो कहानियां हैं उसका जो प्रवर्तन है, उसकी शुरुआत है जैनेन्द्र ने ही की है। देखिए, परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह की बात करें तो वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह हैं। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय, समय और हम, उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक, यानी कि इनके निबंध संग्रह हैं, यानी कि निबंध हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोर्की कहकर महिमा मंडित किया है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने जैनेन्द्र जी को भारत का गोर्की कहकर के महिमा मंडित किया है, उनकी प्रशंसा की है। तो ये था लेखक परिचय। अब बात करते हैं पाठ परिचय की। देखिए, पाठ परिचय को भी आप अच्छे से समझे, क्योंकि पाठ परिचय समझने का मतलब है आप पूरे पाठ का जो भावार्थ है, पूरे पाठ का जो मूल भाव, या यूँ कहें कि पूरे पाठ का जो सार है, वो पाठ परिचय में आपको पढ़ने को देखने को मिलता है। तो देखिए, प्रस्तुत निबंध, ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक निबंध है। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, छल बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या वृद्धि के लिए। तो ये था पाठ परिचय। अब पढ़ते हैं मूल पाठ बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। कायल का मतलब है किसी की गुण या योग्यता के कारण जो उसके प्रशंसक हम बन जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कायल होना। तो यहाँ पर जब जो लेखक है उसने देखा कि उसका जो मित्र है वह गया, तब एक छोटी सी या मामूली सी चीज़ लेने गया, लेकिन जब वापस आए तो बहुत सारे बंडल, बहुत सारा सामान उनके पास था। जब उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उनके मित्र ने कहा, बोले, यह जो साथी, अर्थात उनकी पत्नी की ओर इशारा करके कहा, तब उनका आशय था कि ये सब पत्नी की महिमा, यानी कि पत्नी के कारण इतना सब कुछ हुआ है, उस महिमा का मैं भी कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता ही प्रमाणित है।
इस विषय में यानी कि खरीददारी के विषय की यदि बात करें तो पति से पत्नी की ही प्रमुखता आदिकाल से प्रमाणित है, अर्थात पत्नियों को ज्यादा शौक है खरीददारी का। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं बल्कि स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। देखिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही हम आदिकाल से इस विषय में पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित करते आ रहे हैं कि जो खरीदारी है वो स्त्रियों में ज़्यादा होती, स्त्रीत्व का प्रश्न वो मानती हैं, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के जो सच है वो यह है कि इस बात में भी पत्नी की ओट ली जाती है, यानी कि खरीदना हम भी चाहते हैं लेकिन ओट किसकी ले ली जाती है, पत्नी की। मूल में एक और तत्व को महिमा सविशेष है, वह तत्व मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो देखिए इसके साथ ही एक और जो मुख्य तत्व है वो है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अब देखिए इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो वह क्या खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब मकान खोटी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। देखिए पैसा पावर है लेकिन जब तक वो दिखे नहीं तब तक भला क्या पावर है। अर्थात लोग बाग जो मकान हैं, बड़े बड़े कोठियां बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, माल या सामान जमा कर लेते हैं, ये सब है परचेजिंग पावर, अर्थात वो पैसे का जो पावर है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा होने दरकार नहीं है, बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो कुछ लोग हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं, संयमी भी होते हैं और ऐसा करने से उन्हें गर्व महसूस होता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए, मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मनी बैग यानी कि उन्होंने अपना जो पर्स है वो अपने मित्र को दिखाया। तब मैंने तय माना कि पैसा और होता तो और सामान आता, वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और एक महत्व का तत्व है जिसे भी नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक यानी कि व्यर्थ में फालतू में। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो उसमें नहीं फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे मन में चाह या इच्छाएं जगती है, और चाह का मतलब ही क्या होता है, अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी कुछ नहीं है, और चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओ तो यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जो बाजार है वह भी इतना आकर्षक तरीके से सजा हुआ रहता है कि वह मानो अपनी ओर आमंत्रित कर रहा हो, हमें अपनी ओर बुला रहा हो कि आओ और मुझे लूटो, सब देखो मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है, आपके लिए है। तो इस तरीके से बाजार जो है वो भी कहीं ना कहीं, बाजार को जिस तरीके से सजाया जाता है तो वह भी व्यक्ति को न चाहते हुए भी अपनी ओर मूक आमंत्रण देता है, और उससे फिर व्यक्ति के मन में चाह या इच्छाएं जगती है। और चाह का मतलब ही क्या बताया लेखक ने, अभाव, अर्थात मेरे पास ये वस्तु भी नहीं है, मेरे पास ये चीज भी नहीं है, अर्थात ये सारी चीजों का अभाव मेरे पास है, तो मैं इसे भी ले लूं इसे भी ले लूं, इस तरीके की भावना मन में जगने लगती है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े, विकल क्यों पागल, असंतोष तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। क्या चीज, बाजार की चकाचौंध। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए गए
बाजार से कहीं शाम की वापिस आए और आए तो खाली हाथ। अब देखिए यहाँ पर लेखक एक और मित्र का उदाहरण दे रहे हैं, एक मित्र का उदाहरण वो पहले दे चुके, अब एक और इनके मित्र हैं। वो देखिए दोपहर को बाजार गए, शाम को वापस आए लेकिन खाली हाथ लौटे हैं। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, क्यों बाजार, तब मैंने कहा लाए तो कुछ ही नहीं। बोले हाँ पर यह समझ में नहीं आता कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता है, जी अर्थात मन, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। देख कितनी अच्छी बात है, मित्र ने कहा, मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, त्रास यानी दुखद या दुख देने वाला, गति नहीं होगी न कर्म। अब देखिए वहाँ यहाँ पर जो इनका लेखक का जो मित्र हैं वो चाहते थे कि सारी चीज़ें मैं खरीदूँ, आखिर मैं किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ूँ, लेकिन इतना पैसा नहीं था, आखिर छोड़ दो कौन सी चीज़ छोड़ूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ नहीं खरीद सके, फलस्वरूप वो कुछ भी नहीं खरीद पाए और खाली हाथ ही लौट आए। अब आगे देखिए, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, बाजार में एक जादू है। देखिए ये जो पद्य है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू जो आंख की राह पर काम करता है। देखिए ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है कि बाजार का जादू आंख की राह काम करता है कैसे, तो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ इस पद्य इस गद्य में, ये जो हम पैरा पढ़ रहे हैं, जो गद्य हम पढ़ रहे हैं इसमें है, तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो लेखक कहते हैं बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह पर काम करता है, वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, जेब भरी हो और मन खाली हो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है, जेब खाली पर मन भरा नहीं हो तो भी जादू चल जाएगा, मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का नियंत्रण उस तक पहुँच जाएगा, कही हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है, अर्थात अगर जेब भरी हुई है और मन खाली है तो भी बाजार का ये जो चकाचौंध है, बाजार का जो आकर्षण है, वो कहीं ना कहीं मन पे प्रभाव डाल देता है, तब मालूम होता है कि यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है, किसके जादू का, बाजार के जादू का, जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है, दिक्कतें ही पैदा करती है, थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, अर्थात थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा स्वाभिमान कर लेते हैं, अर्थात हम खुश हो लेते हैं, पर इससे अभिमान की गिल्टी की खुराक ही मिलती है, जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि ऐसा करने से, अर्थात अनावश्यक खरीदारी करने से थोड़ी देर के लिए हमें खुशी मिलती है, लेकिन ये जो अभिमान है, जो खुशी है, वो हमें गिल्टी की और खुराक ही मिलती है, अर्थात धीरे धीरे जैसे बाजार का जादू उतरता है तब हमें सच्चाई का पता चलता है और हमारा मन फिर, अर्थात जब पता चलता है कि हम कितना पैसा बर्बाद करके आए हैं और कितनी अनावश्यक वस्तुएं हम खरीद के ले आए हैं, तब हमें वो जो सच्चाई है, सत्य है, उसका हमें पता चलता है। अब आगे देखिए, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली नहीं हो। देखिए बाजार की जकड़ से बचने का एक सीधा सरल सा उपाय क्या है कि जब भी बाजार जाओ तो मन खाली नहीं हो, मन खाली हो तब बाजार नहीं जाओ, मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे और बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। देखिए बाजार की असली कृतार्थता लेखक क्या बता रहे हैं कि आवश्यकता के समय काम आना ही बाजार की असली कृतार्थता है या उपयोगिता है। आगे देखिए, अब यहां पर देखिए
यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझना और ज़रूरी है। लेखक हमें समझाना चाह रहे हैं कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए, क्योंकि जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोधस्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब भी झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। अर्थात ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं कि जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी ही फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर भी रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत ही है। यह तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन क्रश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वानों का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट विराट की जगह शुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर मन को बंद करना तो सही नहीं है। वह मन पूर्ण कब है? हमें तो पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही नहीं होते, अपूर्ण है इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। देखिए यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य यह है, जैसा कि लेखक ने भी कहा कि बाजार यदि जाए तो मन खाली नहीं रहना चाहिए, मन भरा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मन बंद रहना चाहिए, अर्थात खाली रहने का मतलब ये नहीं कि मन पूरी तरह से बंद हो जाए, क्योंकि जो बंद हो जाएगा वह तो शून्य हो जाएगा, और शून्य रहने का अधिकार केवल परमात्मा को है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मन को पूरी तरह से शून्य नहीं करना है, बल्कि मन में एक इच्छा या जो भी भावना होती है, खरीदने की जो एक चाह होती है वो होनी चाहिए, लेकिन वह आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। क्योंकि लेखक ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि यदि हम आँख अपनी ही फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या, अर्थात हम अपनी ही आँख फोड़ करके सामने वाले को देखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सामने वाली वस्तु को नहीं देखें, और इसके लिए हम अपनी ही आँख फोड़ दें तो क्या भला इससे लोभ मिट जाएगा? अर्थात आँख फूटने से भी हम किसी को देखना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि सपने तो आँख बंद करने के बाद भी आते हैं। इसलिए इन सबसे ऊपर जो बात है, जो लेखक हमें समझाना चाह रहे हैं, वो ये है कि इसी तरह मन को भी पूरी तरह से बंद या शून्य नहीं करना चाहिए, बल्कि मन के ऊपर अपना अधिकार हमारा होना चाहिए। अर्थात जिस वस्तु को जिस सामान को हमें खरीदना है, जिसकी हमें आवश्यकता है, उसे ही हमें खरीदना चाहिए, ऐसा शायद लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, अतः उपाय कोई भी हो सकता है। जो बलात् यानी कि बलपूर्वक मन को रोकने को न कहें, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन में नहीं हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं। देखिए वही बात जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मन को हमारे वश में हम रखें, मनमानापन नहीं होना चाहिए, तब सब कुछ ठीक होता है। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। भगत जी चूर्ण बेचते हैं और यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। देखिए रोजाना चूर्ण बेचते हैं और रोजाना केवल 6 आने से ज़्यादा पैसे वो नहीं कमाते हैं। चूर्ण उनका आसपास सरनाम अर्थात प्रसिद्ध है और खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो उस पर चलते तो आज कुछ हाल क्या मालामाल हो जाते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता? इधर
10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनके चूरन हाथों हाथ बिक जाते हैं, पर वह न उसे थोक से देते हैं और न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते हैं। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते छह आने की उनकी कमाई हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देई या श्रेय देने को उत्सुक रहते हैं, पर छह आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में अर्थात फ्री में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा उदाहरण लेखक यहाँ पर देते हैं कि जो चूरन वाले भगत जी हैं वो उनका जो चूरन है बहुत प्रसिद्ध है, तुरंत हाथों हाथ बिक जाता है, लेकिन उनका जो मन है, मन पर उनका पूरा वश है। अर्थात वो चूरन बेचते हैं तो केवल छह आने पैसे तक ही, अर्थात जैसे ही छह आने का चूरन उनका बिका उसके बाद वो पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि बाकी बचे हुए पैसों, बाकी बचा हुआ जो चूरन है उसको बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो बाजार है, बाजार की जो चकाचौंध है, बाजार का जो जादू है, वो जादू भगत जी पर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। कहीं आप भूल कर न बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। नहीं, यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, नाचीज यानी छोटा आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत बहुत कम को शायद प्राप्त है। यहाँ पर देखिए उस अपदार्थ प्राणी, अर्थात ये भगत चूरन वाले जो भगत जी हैं उनके लिए ये शब्द लेखक ने यहाँ पर काम में लिया है, अपदार्थ प्राणी। तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो बात है, अर्थात यह जो मन पर जो वशीकरण का जो तरीका है या फिर यह जो प्रभाव है, यह उस अपदार्थ प्राणी अर्थात उस भगत जी जो चूरण वाले हैं उनको जो प्राप्त है हम में से शायद बहुत ही कम लोगों को प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, असर नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर भी दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी की आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी नहीं चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? देख कितनी अच्छी बात कही है लेखक इस ये जो गद्यांश है इसमें हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो चूरन वाले भगत जी हैं वो भले ही शायद जान कितने पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम सब यहाँ जो पाठक हैं, हम तो विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, फिर भी हमारे अंदर वो बात नहीं है जो उस भगत जी में है, अर्थात चूरन वाले भगत जी में, क्योंकि उन पर वो बाजार का जादू, बाजार की शक्ति बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल सकती है, जिसके आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं। वह पैसा, वह बाजार भगत जी के सामने आकर भीख तक मांगता है कि तुम मुझे ले लो, लेकिन जो भगत जी हैं उनके मन में पैसे पर दया नहीं आती है। वे उस पैसे को उसके उसका जो गर्व है, अभिमान है, घमंड है, उसके साथ वैसे ही बलकता छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, वह दारुण है। देखिए यहाँ पर एक और अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर लेखक दे रहे हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या होती है? वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ, देखिए मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास से ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कोंदती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई, जिसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, अर्थात तुम्हारे पास ये मोटर नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए मत।
मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने वाला था, क्यों न मैं भी मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ कर देती है। देखिए पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है उसके बारे में बता रहे हैं लेखक कि पैसे की व्यंग्य शक्ति कितनी ताकतवर है कि व्यक्ति यहाँ तक सोच लेता है कि हाय कि मैं ऐसे ही माँ बाप के घर जन्म लेने वाला था कि क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ। इतनी बड़ी बात जो है वह व्यक्ति कह देता है कि इतनी शक्ति पैसों की पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है वो है कि व्यक्ति कुछ ही पल में अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ हो सकता है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों कहो पानी पानी। देखिए ये जो पैसे की व्यंग्य शक्ति है जिससे प्रत्येक व्यक्ति यूं माने कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इस शक्ति पैसे की व्यंग्य शक्ति के आगे नतमस्तक है अर्थात उससे ग्रसित है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो बहुत सारी चीज़ें हो। लेकिन ये जो पैसे की व्यंग्य शक्ति है उस चूर्ण वाले छोटे से व्यक्ति के आगे चूर चूर होकर रह जाते अर्थात उसके आगे वह भी पानी बढ़ती अर्थात नतमस्तक हो जाती है। वो उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाती है। आगे देखिए तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय नहीं रहता बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। आखिर ये कौन सा बल है जो पैसे की व्यंग्य शक्ति को भी पिघला देता है। उस बल को जो नाम दो पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है ही कि जहां तृष्णा है बटोर रखने की इच्छा है यानी कि इच्छा है वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है और निर्बल ही धन की ओर झुकता है वह अबलता है। मनुष्य वह मनुष्य पर धन की ओर चेतन पर जड़ की विजय है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात लेकर कहते हैं कि व्यक्ति में जो है तृष्णा जहाँ पर है यानी कि इकट्ठा करने की जो इच्छा है तृष्णा है ये व्यक्ति में है तो ये मान लीजिए कि संचय यानी कि इकट्ठा करने की तृष्णा या वैभव करने की चाह व्यक्ति में है तो ये व्यक्ति की कमजोरी है निर्बलता है और निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है जो उसकी कमी है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम किया। उनकी आँखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने की इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन भी किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी। लेकिन बहुत चक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश की स्थिति है वह उनमें नहीं थी और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था बाजार भरा पड़ा था। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं थी जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं प्रसन्नता ही भीतर है। क्योंकि कोई रिक्त यानी कि खाली भीतर नहीं अर्थात कोई भी खाली जगह उनके मन में नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख तुष्ट और मग्न वह बाजार चौक में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं वह पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं। रुकते हैं तो कहाँ एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वह दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया फिर
सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। बस इस निश्चय प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चांदनी जो चौक की चांदनी है दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर लेखक ने समझाई है कि जो भगत जी है उनमें हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। भगत जी जब बाजार जाते हैं तो वैसे ही सभी से अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिस तरीके से हम करते हैं। और उनकी आंखें ऐसा नहीं कि कम खुली रहती है, बल्कि उनकी आंखें भी उतनी ही खुली रहती है जितनी हमारी खुली रहती है। और चारों तरफ भगत जी बाजार को वैसे ही देखते हैं जैसे ही हम देखते हैं, लेकिन भगत जी में जो सबसे अलग बात है वो ये है कि उनके मन में जो वस्तु जिस चीज़ की जो आवश्यकता होती है, जैसे नमक और जीरा, तो वो जाकर के कहाँ पर रुकेंगे, जिस पंसारी की दुकान पर जीरा और नमक मिलता है वहीं जाकर के रुकेंगे और वहीं से अपनी उपयोगिता की वस्तु अर्थात नमक और जीरा लेकर के भगत जी वापस आ जाते हैं। और नमक और जीरा लेने के बाद फिर भले सारे बाजार की जो चांदनी है, जो रौनक है, चमक दमक है, वो फैली हो और कितना ही प्रभाव भगत जी पर डालना चाहे, लेकिन वह नहीं डाल पाती है। देखिए चांदनी चौक की दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि अगर आसपास की चांदनी बिछी रहती है फिर भी खुशी से बिछी रहे, भगत जी तो उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। अर्थात भगत जी जो बाजार की चमक है, रौनक जो है, और यूँ कहें कि जो बाजार की जो चांदनी बिछी रहती है उसके प्रति भी भगत जी के मन में कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं है, बल्कि वो उसका भी कल्याण चाहते हैं। लेकिन भगत जी को पता है कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए वो वहीं जाकर के पंसारी की दुकान पर रुकेंगे जहाँ उनको जीरा और नमक चाहिए और वो लेकर के वापस आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी भी फिर नहीं रह जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात यहाँ पर लेखक ने कही है कि बाजार को जो सार्थकता है वो वही मनुष्य देता है जो यह जानता है कि मुझे क्या लेना है। जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि मुझे बाजार से क्या खरीदना है, क्या लेना है, और वह उसी वस्तु को खरीदता है, तो यकीन मानिए वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। और जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि मुझे क्या खरीदना है, वह अपने पैसों के बल पर जो परचेजिंग पावर है उसके गर्व में अपने पैसे से अनाप शनाप वस्तुएँ खरीद के केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देता है। वह न तो बाजार का लाभ उठा सकता है और ना ही वह बाजार को सच्चा लाभ दे सकता है, बल्कि वह व्यक्ति बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि वो कपट बढ़ाते हैं, छल बढ़ाते हैं, और जहाँ छल कपट बढ़ता है वहाँ पर जो सद्भाव है, प्रेम है, वह घट जाता है। और यहाँ तक कि सद्भाव का जो घटना होता है या सद्भाव की जो कमी होती है, हास होता है, उससे जो व्यक्ति है जो आपस में भाई भाई और सुहृद यानी कि जो प्रेम होता है वह भी कम हो जाता है। वह फिर पड़ोसी नहीं रहते हैं, बल्कि क्या रहते हैं, आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह ही व्यवहार करते हैं। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। तो देखिए सद्भाव के घटने पर व्यक्ति में जो प्रेम होता है वह समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, और वह फिर आपस में भाई भाई या पड़ोसी न रह करके केवल एक ग्राहक बन जाता है और एक बेचने वाला बन जाता है, और दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो ऐसा हमें लगता है उनके व्यवहार से। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों ने आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। देखिए यदि ऐसा जब होने लग जाता है तब
आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि एक दूसरे का शोषण होने लग जाता है, तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, गलत है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। तो देखिए कितनी अच्छी बात इस पाठ में लेखक ने समझाई है कि जो बाजार का जो महत्व है, बाजार की उपयोगिता है, वो किस तरीके से सार्थक होती है, सिद्ध होती है, इस पाठ से लेखक ने हमें समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न ये भी बन सकता है कि लेखक ने अर्थशास्त्र यानी कि बाजार का जो अर्थशास्त्र उसे अनीति शास्त्र का है, तो कौन सा अर्थशास्त्र है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाजार में जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके और इस ये जो गद्दे हैं गद्यांश हैं यहाँ पर भी हमने पढ़ा कि व्यक्ति जहाँ पर छल कपट होता है, एक दूसरे को ठगने की घात में हो, ऐसा व्यवहार हमें देखने को मिलता है, एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखता है, तो इन सब तरीके से क्या होता है, बाजार में एक दूसरे का शोषण होने का प्रयास होता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट का शिकार होता है। तो ये हमारे लिए एक विडंबना है, और ऐसा बाजार यदि बनता है तो ऐसा बाजार क्या है, अर्थशास्त्र ऐसे बाजार का गलत है, और यानी कि ऐसा जो बाजार है उसका ये अर्थशास्त्र है, वह अर्थशास्त्र न होकर के अनीति शास्त्र। अर्थ है सामान, परिमित, सीमित, नाचीज यानी महत्वहीन, अकिंचितकर यानी कि अर्थहीन, पशोपेश यानी असमंजस, दरकार यानी जरूरत, पेशगी यानी अग्रिम, दारुण यानी भयंकर, स्प्रहा यानी इच्छा। तो इस तरीके शब्दार्थ आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा पाठ है बाजार दर्शन, और जैनेन्द्र इसके लेखक हैं, बहुत अच्छा एक निबंध है, ये भी आप ध्यान रखिएगा जो बाजार दर्शन है वह जो है निबंध विधा है। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।